राम राम भाइयों, देसी ड्राइव के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं टोयोटा ग्लैंजा, यह इसका बेस वेरिएंट ई वेरिएंट। तो चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या मिल जाता है, चलिए शुरू करते हैं। सामने मिल जाता है टोयोटा का लोगो, साइड में दे रखी है क्रोम, बहुत ही प्यारी लग रही है, अच्छी फिनिश आ रही है। नीचे आपको मिल जाती है काफ़ी इसको स्पोर्टी लुक देने के लिए स्किड प्लेट, देखने में काफ़ी एग्रेसिव लग रही है, ठीक है। अब चलते हैं इसके हेडलाइट्स की तरफ। तो ये आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर मिल जाते हैं हाई बीम और लो बीम दोनों के लिए। ये हो गए इंडिकेटर, ये आपको नीचे ना क्रोम है लेकिन देखने से ऐसा लग रहा होगा कि ये DRL है। नीचे आपको कोई भी फॉग लैंप वगैरह नहीं मिलते, ठीक है, लेकिन क्रोम फिनिश दे रखी है जो काफ़ी प्यारी लग रही है। इसकी स्किड प्लेट की वजह से ना ये काफ़ी ना स्पोर्टी फील दे रही है। अगर इसकी विड्थ की मैं बात करूं तो 1745 mm मिल जाती है आपको इसकी विड्थ। अब चलते हैं इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ। तो कुछ इस तरह की है इसकी साइड प्रोफाइल। इसकी लेंथ की अगर मैं बात करूं तो 3990 mm मिल जाती है आपको इसकी लेंथ। ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको इसमें 173 mm का और लगभग 2500 mm का मिल जाता है व्हील बेस। टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 15 इंच के नॉर्मल टायर मिल जाते हैं विथ कैप भी दे रखा है साथ में, टायर कैप जो काफ़ी सही है। फेंडर पे आपको मिलते हैं इंडिकेटर, मैट ब्लैक कलर में दे रखे हैं इसके ORVM जो कि सीधी सी बात है बेस मॉडल है, वही से मैट ब्लैक में आपको मिल जाते हैं इसके डोर हैंडल्स। टॉप मॉडल में मतलब इससे ऊंचे मॉडल में ना ये आपको जो है विंडो के नीचे ना क्रोम की फिनिशिंग मिलती है, लेकिन ये बेस है तो ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। अब चलते हैं इसके पीछे की तरफ। कुछ इस तरह से मिल जाती है आपको बैक लुक, ठीक है। ये इधर ई वेरिएंट की बैचिंग, ऊपर ग्लास पे आपको ना डीफॉगर मिल जाता है बेस वेरिएंट में ही, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ये हो गया ऊपर एक नॉर्मल एंटीना, ठीक है। नीचे मिल जाता है टोयोटा का लोगो और ये ग्लैंजा की बैजिंग। नीचे आपको मिल जाते हैं 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। अब बात करते हैं इसकी रियल लाइट की। तो ये मिल जाते हैं आपको इंडिकेटर, ये मतलब बैक गियर लगने पे ये जलेगा, ठीक है। ये है इसका पूरा LED का सेटअप, जब ब्रेक लगेगी ना तो ये जलेगा पूरा, जो रात में ना काफ़ी शानदार लगेगा। ये हो गई इसकी बैक की बात। अब चलते हैं इसकी फ्रंट सीट की तरफ। फ्रंट सीट पे चलने से पहले एक बार मैं आपको इसकी चाबी दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह की मिल जाती है आपको इसकी चाबी। अच्छी बात यह है बेस मॉडल में ही आपको सेंटर लॉकिंग जो है दे रखी है। चलिए बात करते हैं इसके, कुछ इस तरह की मिल जाती है इसकी लुक। ये इसके डोर की अगर मैं बात करूं तो ये ब्लैक और बेज कलर में ना ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट है, लेकिन ये जो है हार्ड प्लास्टिक है। बेस मॉडल में आपको ये चीज़ मिल जाती है, काफ़ी अच्छी है। और तो और बेस मॉडल में ही आपको मिल जाते हैं 4 पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स, ड्राइवर साइड, 1 टच ऑटो डाउन, ये लॉक अनलॉक, ठीक है। हैंडल पे आपको कोई भी क्रोम की फिनिशिंग नहीं मिलती, लेकिन सही है बेस मॉडल है तो इतना तो मिलेगा ही। अब इसका जो इंटीरियर है बेज और ब्लैक कलर में ना काफ़ी प्यारा लग रहा है। चलते हैं इसके अंदर। भाई इसमें आपको ना स्पीकर की प्लेसमेंट तो दे रखी है लेकिन स्पीकर वगैरह है नहीं। ये इधर बॉटल होल्डर और ये मैप पॉकेट। ये इधर दे रखा है भाई ट्रैक्शन कंट्रोल यानी ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आइडियल इंजन का स्टार्ट स्टॉप बटन। इसके अंदर से बंद भाई ये जो इसके AC वेंट्स है ना ये काफ़ी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। ये दे रखे भाई पियानो ब्लैक में इनकी फिनिश। ये इसके फ्लो को एडजस्ट करने के लिए लगाते हैं। ये हो गया भाई इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन। कुछ इस तरह का मिल जाता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये हो गया टैको, ये स्पीडो। नीचे दे रखा भाई ये फ्यूल के लिए, ठीक है। ये बटन दे रखे हैं भाई MID में अगर आपको कुछ भी निकालना है। ये देखो रेंज, किलोमीटर,
ठीक है, इसको प्रेस करो निकल जाएगी। ये कुछ इस तरह का मिल जाता है भाई, सिंपल सा इसका स्टेयरिंग, बीच में टोयोटा का लोगो, नीचे एयरबैग की बैजिंग। इसमें आपको दो एयरबैग मिल जाते हैं, एक इधर है और एक है को ड्राइवर साइड। ठीक है, इसके अगर मैं भाई स्टेयरिंग की बात करूँ तो टिल्ट है और टेलीस्कोपिक नहीं है, इसमें आपको केवल टिल्ट जो है स्टेयरिंग मिलता है। इसमें भाई आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता। नीचे जो है भाई फुल ब्लैक में आपको मिल जाते हैं इसके एसी वेंट्स। इसके ऊपर के जो मॉडल है ना भाई, उनमें ना ये जो चीज़ है ना, ये सैटिन क्रोम में दे रखी है, बहुत ही ज़्यादा ना प्यारी लगती है, उसमें एक प्रीमियम फील देती है ये नीचे। लेकिन ये दे रखा है भाई पियानो ब्लैक में इसकी फिनिश, ये काफ़ी अच्छी लग रही है। बेस मॉडल है, ठीक है भाई इतना चलता है। नीचे बेस मॉडल होने के बावजूद भाई इसमें दे रखा है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये काफ़ी मुझे ना सही चीज़ लगी। ये दे रखा है भाई 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट, नीचे दे रखा है कुछ स्पेस फ़ोन वगैरह रखने के लिए। ये हो गए दो कप होल्डर्स। ये है भाई इसका नॉर्मल सा 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। ये हो गई इसकी ब्रेक। अब इसके जो ऊपर के वेरिएंट है ना, उसमें ना इधर जो है क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलता है, आर्मरेस्ट वगैरह इसमें नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा ना इधर स्पेस मिल जाता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। ये है इसका ग्लव बॉक्स, काफ़ी डिसेंट है साइज़ के मामले में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर चलते हैं, ये आपको दे रखा है IRVM डे एंड नाइट मैनुअली। अब चलते हैं इसके वैनिटी मिरर, ड्राइवर साइड नहीं है और को ड्राइवर साइड भी नहीं है। को ड्राइवर साइड आपको मिल जाता है हैंडल, ड्राइवर साइड ऐसा कुछ नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो। तो इतना ही था, अब चलते हैं इसके बैक सीट की तरफ। ये है इसकी बैक सीट, बैक डोर पे भी आपको ये सॉफ्ट टच, ये भी सॉफ्ट टच बेज कलर में, ये हार्ड प्लास्टिक। ये हो गई विंडो के कंट्रोल। अब चलते हैं इसके अंदर। अंदर भाई लेग रूम अच्छा खासा मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी अच्छा खासा है और सीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। इधर आपको कोई भी रियर में एसी वेंट्स वगैरह नहीं मिलते, लेकिन ये दे रखा है 12 वोल्ट का पावर सॉकेट। इधर कुछ स्पेस है फ़ोन वगैरह या अपना कुछ सामान रखने के लिए, ऐसा ही एक थोड़ा सा छोटा सा स्पेस है नीचे। अब इसका जो हम्प है ना, हम्प ये थोड़ा ना बीच वाले के लिए ना थोड़ी प्रॉब्लम है उसके, मतलब बैठने में प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया, इसके जो आगे के हेडरेस्ट हैं ये दोनों एडजस्टेबल है और बेस मॉडल है, तो अच्छी बात ये है कि आपको पीछे जो है तीन हेडरेस्ट मिल जाते हैं और तीनों के तीनों जो है एडजस्टेबल हैं। ये काफ़ी मुझे अच्छी चीज़ लगी, बेस मॉडल में ही ये मिल जाते हैं ग्रैब हैंडल्स, लेकिन कोई भी हैंगर वगैरह इस पर नहीं मिलता, ऐसा ही दूसरी साइड मिल जाता है। इसमें आपको एक कोट हैंगर मिल जाता है। ये दे रखी है भाई कैबिन लैंप हेलोजन में, आगे नहीं है सेंटर में ही एक दे रखी है, तो कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करनी है। तो ये हो गई इसकी बैक सीट की बात, अब चलते हैं भाई इसकी बूट की तरफ। इसको करते हैं बंद। बूट में आपको जो है एक मिल जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन, एक बार दबाओ और ये ऊपर, ये कुछ इस तरह का मिल जाता है आपको इसका बूट। बूट साइज़ जो है वो काफ़ी अच्छा है, 318 लीटर का आपको इसमें बूट मिल जाता है, लेकिन कोई भी पार्सल ट्रे आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती। अब देख लेते हैं इसके स्पेयर व्हील को, तो वही सेम साइज़ में 15 इंच में मिल जाता है आपको इसका स्पेयर व्हील। तो भाई ये होगी इसकी बात, इसको करते हैं बंद। एक दो चीज़ जो मैं आपको इसके फ्रंट में बताना भूल गया, अब करते हैं भाई इसके बोनट को ऊपर और देखते हैं इसके इंच में। चलिए करते हैं इसके बोनट को। तो भाई ये मिल जाता है आपको इसमें 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि 88 bhp की पावर जनरेट करता है और 113 nm का टॉर्क। और अगर मैं इसकी माइलेज की बात करूं तो 23 किलोमीटर पर लीटर का ये माइलेज आपको दे देता है। चलते हैं इसके
एक चीज़ जो मैं और बताना भूल गया, इसमें आपको मिल जाता है 37 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। तो ये था भाई हमारा एक छोटा सा रिव्यू टोयोटा ग्लैंजा ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट का। अगर हम इसके एक्स शोरूम प्राइस की बात करूं तो भाई ये आपको मिल जाता है 670 में, और ऑनरोड प्राइस की अगर मैं बात करूं तो अभी हमें पलवल में 36 टोयोटा में यहाँ पे आपको ये ऑनरोड पड़ जाएगी भाई 755 के आसपास। अगर किसी भी भाई को ये लेनी हो तो शोरूम के कॉन्टेक्ट जो है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और भाई कॉन्टेक्ट करो और अपनी जो है परचेज करो इस कार को यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हम ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।